आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उत्तम पुरुष, उसी को भद्र पुरुष बोलते हैं, उसी को श्रेष्ठ पुरुष बोलते हैं, उसी को महापुरुष बोलते हैं। इनकी लक्षण, सही लक्षण क्या है, ऐसी चीज बताने जा रहा हूं कि अगर जिसमें नहीं हो वो भी उनमें अपने आप प्रयास करे तो वो भी उत्तम उस श्रेणी में आ सकता है। इस संसार के लोगों को इस प्रकार में जो है ना, आगे जब सुन करके समझ करके कि कैसे बना जा सकता है, कौन रहते उत्तम पुरुष, कौन है भद्र पुरुष, उसके प्रमुख केवल ज्यादा नहीं 11 लक्षण होते हैं, 11 महत्वपूर्ण लक्षण, उन 11 में खरे उतरना। जिसमें से पहला देखिए, पहला लक्षण उत्तम पुरुष भद्र पुरुष कौन होता है, क्या है उसका पहचान, गंभीर हृदय, सागर सा गंभीर हृदय, ये पहली पहचान। दूसरा है समय का पाबंद, समय समय ही सोना जैसे लिखा रहता है, इसे बर्बाद मत कीजिए, तो वो जो रहता है भद्र से एक समय उसके लिए कीमती होता है। तीसरी बात सादगी पूर्ण व्यवहार, उसका जो व्यवहार होता है पूर्ण सादगी पूर्ण, सादा जीवन, उच्च विचार, इनका समर्थक होता है। चौथी बात प्रशंसा एवं बुराइयों से अलग, अगर कहीं उसकी कहीं किसी अच्छा काम करता हो तो उसकी अगर बड़ी प्रशंसा हो रही है तो उसको ऐसा नहीं कि पूरा ना समाये, अगर कहीं बुराई हो रही है तो ऐसा नहीं अपने आप बड़ा दुखित हो गया, मेरे को ऐसा उसी उसी में लग जाए, समान समान इतनी उसमें रहती गंभीर थे, संभाव चाहे प्रशंसा करो तो वैसे बुराई करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है भद्र पुरुष। पांचवा लक्षण देखिए हितैषी, यानी कितना मैं किसी का हित का काम कर लूँ, ये उसका गुण होता है। परोप जैसे परोपदेश सज्जनों का होता है ना, परोपकारा शताम भी होते हैं, दूसरे का कितना मैं उपकार कर लूँ, ये होता है भद्र पुरुष का लक्षण। छठवा लक्षण देखिए उसकी और, संयमित एवं मीठी वाणी, संयमित एवं मीठी, देखो दो चीजें लिखी हुई है, संयमित और मीठी लिखी हुई है। संयमित का मतलब ये होता है कि जितना बोलना हो उतना बोला जाए, यानी अल्पभाष्य बोले जितना जितना उपयोगी हो, ज्यादा बोलना भी अनावश्यक, बोलना भी व्यर्थ होता है, वो जो है अनावश्यक नहीं बोलता उसका भद्र पुरुष, बड़े काम की चीज, छोटा बोलेगा अच्छा बोलेगा, गागर में सागर भरता है। और मीठी वाणी तो आप जानते हो मीठी वाणी में क्या, इसलिए तो मीठी वाणी को तो वैसे तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओ। और सातवीं बात देखिए ईर्षा द्वेष रहित, जो भद्र पुरुष है उत्तम पुरुष महापुरुष, उसका एक लक्षण सातवां लक्षण है वो ईर्ष्या और द्वेष, उसमें दोनों चीज नहीं रहती। ये ईर्ष्या द्वेष क्यों लगा हुआ साथ में, कि जो ईर्ष्या किसी कोई अच्छा काम नहीं कर पाता दूसरा करता है तो उससे वो ईर्ष्या करने लगता है, और जब ईर्ष्या करने लगता है तो द्वेष आ जाए, द्वेष का मतलब इसका ना होने पाए तो वो द्वेष आ गए। इन चीजों से जो भद्र महापुरुष होता है वो दूर रहता है, ईर्ष्या द्वेष के 10 कदम दूर, कोई उसकी निंदा करे बुराई करे उनसे कोई तात्पर्य नहीं। चौथी अगला है आठवां अक्रोधी, अर्थात क्रोध रहित, वो रहता भद्र को महापुरुष का लक्षण, क्योंकि क्रोध तो आज्ञाकारी से होता है, क्रोध तो कहते अंधा होता है, क्रोध में विवेक शून्य हो जाता है आदमी, विवेक नहीं रह जाता, जब विवेक नहीं रहता तो उचित क्या चीज है तो कुछ भी कर डाले, ये उसका लक्षण। जो अगला नवा नंबर है दूसरों को प्रोत्साहन देना, अगर कोई दूसरा भटक रहा है, कोई रास्ता पूछ रहा है, कोई समझ रहा है, उसको मालूम है भद्र पुरुष को, तो उसको अच्छी चीज बताएगा, तू ऐसा कर लेगा तेरा ऐसा हो जाएगा, तुम अच्छा ऐसा काम करो, वो बार बार उसको एक अच्छे काम में उसको प्रोत्साहन देगा ताकि वो आगे बढ़ जाए, ये भद्र पुरुष के लक्षण। और इसके बाद दसवां है चिंतन नहीं चिंतन करना, चिंता नहीं, भद्रपुर महापुरुष होता है वो चिंता नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है चिंता समम नाश शरीर शोषणम, चिंता के समान शरीर को सुखाने वाला कोई दूसरा हल नहीं, और चिंता से कुछ नहीं चतुराई घटे, चिंता सब हानि हानि, और चिंतन होता है विचार, विचार तो करने चाहिए, तो भद्रपुरुष का लक्षण होता है वो चिंता नहीं करता बल्कि चिंतन करता है, विचार करता है, खाती है।
जो सारे कर्तव्य करना चाहिए। और आखिरी क्या पूछना, देखो क्या रहा जो प्रमुख लक्षण है, चरित्रवान, वो चरित्रवान हूं। और क्योंकि चरित्र वो हीरा है जो लाखों में चमकता है, वो जीवन की एक कसौटी है आदमी पुरुष के चरित्र, पुरुष के चरित्र जीवन की, अतः चरित्रवान। ऐसे भी कहते हैं कि जिसका भाई धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया, कुछ बचा नहीं, इसलिए उसको बचा कर रखता है, पूरा पूंजी है बहुत बड़ी। और जिसमें ये 11 गुण का समावेश हो गया वो महापुरुष बन गए। मेरी सलाह है सभी से, प्रयास करें, आधा ही बने कुछ तो काम में होंगे, हमारा आगे जीवन बड़ा वैभवशाली बनेगा और हम भी भद्र पुरुष बनेंगे।